थिएटर करते हैं भाई साहब। अभी मैं ये कैरेक्टर भी जो बनाने लग रहा हूँ, ये एक शूट होना है, फिल्म शूट। अच्छा, हरियाणवी मूवी और हिंदी मूवी दोनों मिलकर, उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। फाइनली अपनी इको स्पोर्ट संजीव भाई ले जा रहे हैं। अभी थोड़े पहले थोड़े दिन में सफारी गई थी यहाँ से। सेलर को साइन करने हैं। सेलर साइन करेगा 28-29-30 पे, ठीक है। और 30 नंबर पे जो परचेजर है, जिसके गाड़ी ट्रांसफर होनी है, उसके बैक साइड में दो साइन उसके होंगे। वो तो अपना करता रहेगा। तो फोर्ड इको स्पोर्ट कितने की मिलेगी पेट्रोल? फोर्ड इको स्पोर्ट्स मॉडल और गाड़ी की कंडीशन पे रेट पे गाड़ियाँ मिलती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड ये अभी टाइम हुआ है 8:50 होने वाले हैं और मैं गुड़गांव के अंदर हूँ। और आप देख लो कितना यार फॉगी है। मुझे थोड़ा काम था, जा रहा था मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, कि देख लो कितना डेंस फॉग है। सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। फिलहाल गुड़गांव में इतनी फॉग पड़ रही है। वैसे फॉग नहीं पड़ेगी जिस दिन आपको काम ना हो, जिस दिन आपको जाना हो तो देख लो आप कुछ नज़र आ रहा है तो आपको, मुझे तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। फॉग अब की बार वैसे तो कम पड़ी है, अभी जब जैसलमेर गया था तो भी फॉग नहीं थी, लेकिन आज फॉग है। जहाँ पे ये फॉग नहीं पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है, वो ये सोचते होंगे कि हम भैया बहुत मजे लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं भाई, जब ठंड पड़ती है ना, इस ठंड के अंदर ना साला खून भी मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली 50 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए। मैं तो अभी गुजरात जाके थोड़ी गर्मी ले आया हूँ, गिर जाके वहाँ तो हाफ स्लीव में घूम रहे थे हम, लेकिन वापस आते ही ये हाल है। हम आजकल इस दौर से गुजर रहे हैं कि रजाई से निकलने का मन नहीं करता भाई। ऐसा लगता है कि जैसे कि छुट्टियाँ पड़ी रहें और हम रजाई में घुसे रहें। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, वो भी 2-4 दिन में खुल जाएगी। जो गोवा के लोग, जो साउथ के लोग या गुजरात के लोग जो देख रहे हैं कि भाई ये नॉर्थ जो लोग हैं, जो हम जहाँ रहते हैं दिल्ली NCR में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत ही ऐसे डेंस फॉग हमें हमेशा मिलता है। मैं मुड़ तो गया हूँ क्योंकि मैंने गूगल ऑन किया हुआ है, पर देखते हैं कहाँ पहुँचता है। अब देख लीजिए ऐसी कंडीशन होती जा रही है, बहुत चैलेंजिंग है और मुझे काफ़ी दूर जाना है आज। ये देख लीजिए, दिख रहा है कुछ आपको? ये तो यह है कि रास्ते से मैं गुजरता रहता हूँ रोज़, तो मुझे आइडिया लगा हुआ है कि भाई आगे क्या है। लेकिन फिलहाल ये कंडीशन आप देख लीजिए भाई, जहाँ 1 घंटे में पहुँचना वहाँ पे आप 2 घंटे में पहुँचोगे। खड़ी है अपनी इको स्पोर्ट। अभी यार ये ब्लॉग डाला था, उसके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई कर रहा था। ये हाईवे है भाई, मैं टूवर्ड्स जा रहा हूँ रोहतक की तरफ। ये भाई मिला, चाय बेच रहे हैं भाई, गुड़ चाय लगी मेरे को यार। खेत तो अपने हैं, याद आ गए तो लगा चलो एक बार भाई चाय पी लेते हैं। घर से पराठे बना के लाया था तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं फीकी और ब्रेकफास्ट करते हैं। और मुझे 10-11 बजे कहीं पहुंचना है, वहाँ पहुंच के देखता हूँ फिर वापसी करेंगे। लेकिन आज लेके निकला हूँ इको स्पोर्ट ही, उसकी हैंडलिंग एकदम मस्त है भाई। पहले वाली जो स्कॉर्पियो थी वो गाड़ी थी डीलरों की, भाइयों की, बड़े बड़े धुरंधरों की, बड़े बड़े रोबीले आदमियों की। और ये जो स्कॉर्पियो है ना, अभी नया आया है जिसे आप स्कॉर्पियो N कहते हैं, ये जो स्कॉर्पियो, ये यूट्यूबर्स की गाड़ी है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे यूट्यूबर्स ये तो ले रहे हैं या लोगों ने बुक कर दी है। पता नहीं आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही है हाईवे पे, लेकिन ये गाड़ी यूट्यूबर्स की है, मेरा तो ये मानना है। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर डालना। भाई जी मेरे गर्मा गर्म कुल्हड़ में चाय ले हैं। भाई चाय है कितने की? चाय 20 रुपीज की है, सिंपल चाय। हमारे पास 26 प्रकार की चाय है। अच्छा जी, 26 प्रकार की? हाँ जी, सारी लिख नहीं रखी इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, रविंदर जी हैं। तो ये जगह कौन सी पड़ती है? ये बहु अकबरपुर गांव है सर। अच्छा 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 अच्छा, चलो जी हम तो पहली बार आए हैं भाई, आप चाय पी के बता देंगे। हाँ हमारे पास शुगर फ्री भी है, हर तरह की चाय। ये शुगर फ्री है ना? हाँ, ये इसमें डाली नहीं है, अगर कहेंगे तो वो डाल देंगे हम। नहीं नहीं, शुगर डाली नहीं भाई, मेरे को शुगर है। हाँ। तो चीनी कम पीता हूँ। चलो भाई, चीनी नहीं है हमारे पास, शुगर वाली गोली भी है। ना ना ना, बीठा करना ही नहीं है। अरे वाह, सेब की भी है, केले की भी, अर्जुन की भी है, हर तरह की चाय। सेब चाय? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। चलो भाई फुर्सत से आएंगे, भाई से पूछेंगे 20 तरह की चाय है। अभी घर से लाया हूँ भाई मैं मेथी के पराठे, और पराठे खाते हैं भाई, चलते हैं आगे। सफारी गई है मेरी पीछे,
जब भी मैं थोड़ा ट्रिप पर निकलता हूँ ना अकेला भी, तो मैं कोशिश करता हूँ घर से खाना बना लूँ, पराठे वराठे ना, अचार लेके, चाय लेके जाऊँ, तो मैं भी ये नान बर्गर खा सकता हूँ, मैं मज़ा नहीं आता मेरे यार। मैं तो मने भी गन्ने खेत आ रहे हैं बीच में, गन्ने खेत में रुकूँ, गन्ना उखाड़ूँ, हमारे हरियाणा में गन्ना कहते थे भाई, गन्ना चूसूँ, अब तो गन्ना चूसे हो भाई, जमाने हो गए खेत से उखाड़ के, शहरों में बिकते हैं तो भी नहीं खा पा, दांत भी ऐसे नहीं रहे, पर मैं गन्ना भी चूस लेता हूँ। मैंने अपने आप को बिल्कुल ही ज़मीन पर रखा हुआ है, मैं इतना ऊंचा उड़ना नहीं चाहता कि नीचे आने में तकलीफ हो भाई। चाय मस्त आ गई, मज़ा आ गया भाई, अरे 20 तरह की चाय है मेरा तो, पता नहीं आपको ये व्लॉग बात अच्छी लगती है, मेरी अच्छी लगती है, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, घर की रोटियाँ खाने में मज़ा, एक शेर है बड़ा बढ़िया, दालानों की धूप छतों की छाँव कहाँ, घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ, घूम लेते हैं मस्ती कर लेते हैं भाई, शौक़ है मेरा घूमने फिरने का, ऊपर वाले ने शौक़ भी दिया पूरा भी करवा रहा है भैया, एक चाय और मिल जाएगी, आज एक चाय और पी रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया, अच्छी चाय लगी भैया की, यही बना रहे साहब, हाँ यही भाई, मज़ा आ गया, मेरे पे वैगनर थे पहले, वैगनर आज की डेट में भी टॉप सेलिंग कारों में, क्या जो स्कॉर्पियो नहीं खरीद सकता, बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता, अनसेफ है वैगनर, लेकिन वैगनर ऊंची गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, 11 cc का इंजन था उसका, उसका भी AC बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई। तो भाई जी ने चाय पिला दी है मेरे को और मज़ा आया, और भाई जी कह रहे हैं मेरे पास हर तरह की चाय अवेलेबल है, और अब मैं 26 प्रकार की चाय, और मेरा भी ये सब्सक्राइबर भी बन गए हैं, और भाई जी वो करते हैं क्या बताया था आपने, थिएटर करते हैं भाई साहब, अभी मैं ये करेक्टर भी जो बनाने लग रहा हूँ, ये एक शूट होना है फिल्म शूट, अच्छा हरियाणवी मूवी और हिंदी मूवी है दोनों मिलकर, उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, हरियाणवी मूवी है, हरियाणवी भी है और हिंदी भी, दोनों चीज़ें पे काम करते हैं, तो कभी आए तो भैया चाय जरूर ट्राई करें, 26 तरह की चाय, भाई ने लिख रखे रविंदर जी, कुल्लड़ वाली गुड़ की चाय भाई, सिंपल चाय, मखनी चाय, लौंग चाय भाई, वाह मज़ा आ गया, चलो कभी जिंदगी में दोबारा आए तो भाई जी आपसे मिलेंगे, अब आप मेरी मेमोरी में हमेशा रहोगे, जरूर साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सर। 9 साल पहले 16 सितंबर को मैं गाड़ी लेके आया था, मैं कितना खुश था इस गाड़ी को लेके, टाइटेनियम कॉस्टम ने कहा था पापा टॉपर मॉडल खरीद लो, ऐसे ऐसे फीचर थे जो मैंने पहली बार देखे थे, क्योंकि मैं वैगनआर से शिफ्ट हुआ था, और आज बात करते करते वो दिन आ गया जिस दिन ये गाड़ी मेरे पास आखिरी दिन है, आज शायद हो सकता है कि मैं इस गाड़ी को हैंडओवर करूं, और आज है 23 जनवरी, और पीछे देख सकते हैं आप, ये कोई डीलर भाई है, मैं इसके पास जाऊँगा और पता करूँगा जो मैंने आपसे बताया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, लेकिन क्या है कि यार ठीक है गाड़ी हम ख़रीदते हैं, कई गाड़ी ऐसी होती है जो आपकी फैमिली का पार्ट बन जाती है, तो ये फोर्ड इको स्पोर्ट इज़ वन ऑफ देम, एंड रियली आई एंजॉयड अ लॉट व्हाइल ड्राइविंग दिस कार। अभी मैं 2-4 दिन पहले आपने ये जो देखे, जो आपने वीडियो देखी है मेरी, ये मैं इससे कहीं दूर गया था और बहुत इन्जॉय किया, पता नहीं चला कब आ गया, इतना कॉन्फिडेंस है गाड़ी ना, इससे कि मेरे हाथ पे बैठ जाती है ना, कहते हैं हाथ पे बैठी हुई गाड़ी है और सेफली ले जाती है, रात को दिन को फलां ढिमकान आपको सारा पता होता है कौन सा बटन कहाँ पे है, पर यार कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा दिन, वैसे मेरी आदत है कि मैं आसानी से गाड़ी बेचता नहीं हूँ, गाड़ी को मेंटेन करके काफ़ी लंबे समय तक रखता हूँ, तो आप भी मेरे दर्द को समझ सकते होगे, लेकिन कोई बात नहीं, जिस भाई को दिया है अब वो इन्जॉय करेगा, जब मैंने उससे पेमेंट ले ली है तो क्या गिला शिकवा, पेमेंट आ गई है भाई, उसने भी तो अपनी हार्ड एंड मनी मुझे दी है, प्राइस में बता दूँ एंड में कितने की बेची है मैंने, और चलते हैं और देखते हैं भाई क्या प्रोसीजर गाड़ी बेचने का, आपको भी चाहिए भाई जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल है भैया, बस भाई जी गाड़ी बेची है, ये देखो कितनी चाबियां भाई, आपको भी भैया यूएस मैं नंबर दे दूँ, यूएस मोटर का 40 में ये नंबर क्या मंगाने का, इसका नंबर लिखो सर 9899764455 प्लॉट नंबर 1060 सेक्टर 40 गुड़गांव भाई मेन रोड पे, ये बिल्कुल ये, तो भाई जी मैंने पार्क के साथ में, तो भाई जी मैंने अपनी गाड़ी बेची है, हाँ जी हाँ जी, तो बताओ क्या क्या साइन कराऊं,
साइन कराओ 28, 29, 30 फार्म आपने खुद ने साइन करने पड़ेंगे आपने। अच्छा मुझे साइन करने हैं 28, 29, 30। हाँ जी हाँ जी, तीन फार्म ठीक है, और तीनों फार्म साइन करके अथॉरिटी में लगवा दो जिसके नाम आपकी तीन, दो आईडी जिसके नाम गाड़ी ट्रांसफर होगी। ये वो लगवाएगा मुझे लगवानी है, वो अपना लगाता रहेगा मतलब जो आपने, आप भी लगवा सकते हो वो भी लगवा सकता है, चाबी दोनों आपके पास है। हाँ। मैं तो साइन दे दूंगा पेपर उसको। मुबारक हो कार आपको भाई साहब। भाई साहब ने नई नई कार खरीदी, कौन सी खरीदी भाई साहब? अरे वो जो बाहर खड़ी है, अरे बड़ी बढ़िया गाड़ी भैया, पूछो नहीं कितने के लिए, कितने की बढ़िया है इसको, इसका तो सस्ते ही दे दी। कितने की भाई? भरी में ही दे दी समझो बस। तो ये जो जो देख रहे हैं 16 मॉडल है भाई साहब, 2016 मॉडल, 40,000 चली बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कार, पेट्रोल डीजल? डीजल, एस क्रॉस, स्मार्ट हाइब्रिड। राइट कर दो ना। तो शौकीन जी एक बात बताओ, कोई अगर बंदा गाड़ी खरीद रहा हो या बेच रहा हो तो उसे आपने ये फॉर्म दे दिया मेरे को, इसमें सेलर को साइन करने हैं? सेलर साइन करेगा 28, 29, 30 पे, ठीक है, और 30 नंबर पे जो परचेजर है जिसके गाड़ी ट्रांसफर होनी है उसके बैक साइड में दो साइन उसके होंगे। वो तो अपने आप करता रहेगा, वो अपने आप करता। मैं उसको साइन कर दे दूं? ये किट साइन करो, इसमें 28, 29, 30 तीन फार्म होते हैं, तीनों फार्म में एक एफिडेविट होता है लास्ट में। अच्छा, उस एफिडेविट पे साइन करो, आगे ट्रांसफर हो जाएगी, वो अपने आप करता रहेगा। मैं तो पैसे ले लेता हूं अपने आप। ये पेपर मैं अपने पास कौन सा रखूं कि ड्रोन एक्सीडेंट मार दिया कल, तो उसमें एफिडेविट बनवाओ ना कोर्ट में जाके। तो कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा लूं? हां जी, कि मैं इस गाड़ी को, इस बंदे को इस टाइम पे मैंने डिलीवर कर दिया है। अच्छा अच्छा, आज के बाद उसकी जिम्मेवारी, उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट कोई पेपर वर्क में गलती वो मेरी जिम्मेवारी। तो आपका मतलब मैं जाऊं कोर्ट जाऊं सीधा जी, और डॉक्यूमेंट्स बनाऊं? एफिडेविट बनवाओ, ऑनलाइन एफिडेविट बनता है, वो ऑनलाइन वाला एफिडेविट बनवाओ, बना देगा यही सर्च को अपना। ये कौन सा है? किसी भी अथॉरिटी में चले जाओ, सब जगह ही बैठते हैं। तो बस वो अपने साइन करा के मैं रख लूं, ये उसको दे दूं, भाई कराता रहे, बस यहां चलानी है वहां चला, कहीं चला उसका काम है। ठीक है ठीक है। तो भाई जी नंबर तो हमने बताई दिया है, सारी कौन कौन सी गाड़ी आपके पास? कोई भी ले लो, छोटी सी लेके बड़ी तक, अल्टो से लेके। तो फोर्ड इको स्पोर्ट कितने की मिलेगी पेट्रोल? फोर्ड इको स्पोर्ट्स मॉडल और गाड़ी की कंडीशन पे रेट पे गाड़ियां मिलती है, थोड़ा सा मतलब 4-5 लाख रुपए ज्यादा, 5 लाख में ठीक ठाक गाड़ी मिल जाती है। कभी हो तो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। डन है भाई जी, थैंक यू वेरी मच शौकीन जी। फॉर्म तो मैंने ले लिया भाई, 28, 29, 30 मुझे साइन करने हैं और उसको देने, लेकिन साथ में एक एफिडेविट बनवाना है जो मैं जा रहा हूँ सीधा कोर्ट बनवाने के लिए। आप भी ध्यान रखना, अभी चलते हैं सीधा कोर्ट और एफिडेविट बनवाते हैं, और अब शेयर करता हूँ आपसे एफिडेविट में क्या लिखवाना है। अगर वो भाई किसी गाड़ी को एक्सीडेंट मार देगा आज के बाद तो जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। देखते हैं क्या चार्जेस। इस भाई ने पैसे ले लिए, फ्री में ही मेरा जुगाड़ कर दिया, पड़ोस में ही है मेरे। आ गया हूँ, ये है पवन कौशिक जी हैं, ये कोर्ट में बैठते गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, 50 रुपये की पार्किंग दी है, ये सेक्टर 56 में है ये। तो ये मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, और ये गाड़ियों को ख़रीदना बेचना भाई आसान नहीं है, वो फॉर्म में ले आया हूँ और यहाँ बन रहा है मेरा एफिडेविट। एफिडेविट में इन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा है मेरा, मैं सेलर हूँ, बायर का आधार कार्ड मांगा है, और सारे काम मैं इसलिए खुद करा रहा हूँ ताकि इसमें कोई गलती वलती ना हो। एफिडेविट साइन करा लूँगा, आज के बाद जो टाइम लिखा जाएगा उसके बाद उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है या चालान होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, और अभी तक जितने भी चालान होंगे सारे मैं भरूँगा। गुड़गांव में है, सेक्टर 57 में आइए, तहसील नई बनी है तो छोटे मोटे काम नए गुड़गांव के ही होते हैं, लाइसेंस भी यही बनता है। ये डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास आ गए हैं, एफिडेविट भी आ गया, सब तामझाम मैंने करवा लिया है। ये दुकान है यहाँ पे, ये ऑफिस है, यहाँ पे पवन कौशिक जी हैं, और मैंने इनसे जो सेलिंग सेलर का है एग्रीमेंट, क्लियरिटी हुई है भाई साहब। एक ये फॉर्म आता है, ये किसी भी आपको डीलर की शॉप पे मिल जाएगा जो भाई कार सेल परचेज करते हैं। 29-30 का फॉर्म है, ये मुझे भरना था, 28-29-30 जो भी है, टिक के निशान लगे थे वो मैंने भर के दे दिए। ये देखो लिखा हुआ इस पर, जहाँ टिक है वहाँ मेरे बेचने वाले के हैं, और जो ख़रीदने वाले को साइन करके मैंने दे दिया ये, और एफिडेविट बनवा लिया मैंने, उसमें साफ साफ लिखवा लिया है कि गाड़ी मैं इस भाई को बेच रहा हूँ, पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। दो एफिडेविट बने हैं, दो एफिडेविट का मतलब है एक कॉपी उस मेरा जो साइन करूँगा ओरिजिनल वो उनके पास रहेगा, उनका जो ओरिजिनल साइन करके रहेगा वो मेरा रहेगा, और वो मैं रख लूँगा। और आई थिंक अभी हो गया है, शाम को भाई आएगा, पेमेंट ऑलमोस्ट आ चुकी है, जैसे फैसले ट्रांसफ़र करेगा मैं गाड़ी की चाबी उसको दे दूंगा, और कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ले। अभी 8-9 महीने इस गाड़ी के बाकी हैं, तो अब चलते हैं गाड़ी इसको हैंड ओवर करने के लिए। भाई दिल मेरा कच्चा कच्चा हो रहा है भाई कि, लेकिन जो पेमेंट ले ली तो भाई क्या दिक्कत है, अब ये जाएगी तो कोई दूसरी आएगी। छोटी गाड़ी की मेरे पास रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो एक छोटी गाड़ी मुझे सिटी की गलियों में जाने के लिए, सामान डालने के लिए, सामान कैरी करने के लिए चाहिए। 4 बजे के आसपास वो कहने कि मैं गाड़ी लेने आऊँगा, और आई थिंक ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ अपनी फोर्ड की इको स्पोर्ट, ये मेरी इस गाड़ी के ऊपर लास्ट ड्राइव है शायद। अब मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊँगा, और पूरी अब गाड़ी चलेगी मेरी
जो स्कॉर्पियो एन है, इसीलिए मैंने डीजल की गाड़ी ली है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाऊँ और उसको इंजॉय कर सकूँ। और डीजल की गाड़ी 10 साल के बाद तो आपको पता ही भी ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करूँगा कि इस गाड़ी को काफ़ी मैं इंजॉय करूँ। मैं स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, इस गाड़ी को ज़्यादा चला नहीं पाया मैंने, सिर्फ 1,14,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और फिर कोविड आ गया था, आपको पता 2 साल तो भैया गाड़ी कोविड में चल ही नहीं पाई, खड़ी ही रही, बट फिर भी 1,14,000 किलोमीटर काफ़ी चला दी गाड़ी मैंने। इको स्पोर्ट को हैंड ओवर कर रहा हूँ, जिन्होंने भाई ने मुझे पैसा दिया इसका वो इस गाड़ी को लेने के लिए आ चुके हैं, और ये है इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो मैं उनको हैंड ओवर करूँगा। तो आप ऐसे उन भाई साहब से मिल चुके हो जिन्होंने मेरी गाड़ी खरीदी है, वो मोटर जोन वाले हैं मिस्टर संजीव, ये हैं भाई साहब जिन्होंने गाड़ी खरीदी हमारी। चाबी मैंने दे दी है, पूरा हैंड ओवर हो गया। अब मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये भाई साहब पेपर देख लो आप एक दिन, तो देखो इस गाड़ी की ये लो जी आरसी, चेक कर लो ठीक है साहब, ये चीज़ होती है, ये देखो आप पेपर वगैरह सर ने स्टाम्प, ये आप चेक कर लो सारे। अच्छा। ये पोल्यूशन वगैरह भी इसमें होगा, पोल्यूशन है कितने दिन क्या चल जाना चाहिए वैसे। हाँ भी सितंबर तो होगा। और ये देखो इसमें इंश्योरेंस भी इसका होगा, नहीं तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूँ। हाँ ये इंश्योरेंस भी है, देने कब तक है ये भी सितंबर तक। हाँ सितंबर तक, फिर तो मुझे ये मान लो कि अगले सितंबर तक कुछ करवाना ही नहीं है, गाड़ी काम ही नहीं करवाना। तो मुबारक हो संजीव जी, अब आपने डलाना डीजल इसमें और चलाओ गाड़ी को। बस लेने तो सर हम ये वाली आए थे, आपने ये दी नहीं, बोले ये ले लो। 16/9/2013 की लोग पूछ रहे थे भैया ये मॉडल है हमारा, और अभी अभी 9 महीने के आसपास इस गाड़ी का आप इंजॉय कर सकते हो। 9 महीने गुड़गांव में हम करेंगे तो एंजॉय इसको। हाँ हाँ, और हो सकता है आगे भी करें। नहीं नहीं, ये गाड़ी अब दोगे नहीं किसी को? नहीं नहीं, मतलब नहीं, हमारे राजस्थान में कोई पूछता नहीं है बोलेरो और ये गाड़ियां में कोई पूछता नहीं है कितनी चलाओ चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये गाड़ियां खराब करो, एकदम मतलब क्लीन जो है ना वो है राजस्थान पूरा, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई और नहीं, तो कोई नहीं पूछता इसके बारे में, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं। चलाओ इस गाड़ी को, और इस गाड़ी का मैंने कभी ना अलाइनमेंट नहीं आउट होता इसका कभी। अच्छा। मैंने शायद जब से गाड़ी खरीदी है मैंने कि व्हील बैलेंस अलाइनमेंट शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कितनी गड्ढे में जाएगी ना गाड़ी आपकी, तो आपकी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग ना, इसके रिम में कुछ इस टाइप की जरूरत ही नहीं, पता नहीं यार ये ना बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, मतलब जरूरत नहीं पड़ती ये। तो मुझे ये मेरे जैसों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया हुआ सर की हमने गाड़ी ले ली है सर। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो भाई फाइनली अपनी इको स्पोर्ट संजीव पहले जा रहे हैं। गाड़ी की आवाज़ देखी आपने कैसी है डीजल की, अभी थोड़े दिन ना सफारी गई थी यहाँ से, और अब गई अपनी इको स्पोर्ट।